अरे की मोछी अपता हो देख के चली जावा गवा सब लोग हमारा के कहेला बघावा हमारा पे उठे ऐसन हाथ नहीं खे अरे जादो जी से बड़ कौनो जात नहीं खे अरे जादो जी से बड़ कौनो जात नहीं खे। जंगला का लड़ाई में भी यादव का ही 120 सैनिकों ने सबने सीना पे गोली खाया था, किसी के पीठ पे एक भी छुरी नहीं, सब आगे मुंह गिरा था। वो इतिहास इतना आसान नहीं है यादवों का इतिहास। कि एरिया में थोड़ा थोड़ा कापे सब लोग मोड़ा बदम हंसी से। अरे कि हमारा यही रहन भाई पर नजर जे उठाई। हमारा जो स्टूडियो पिछले 7 महीना से खुला है और 7 महीना से तकरीबन 700 से ऊपर बच्चों को फ्री में गाना गवाए हैं। क्या बात, 700 से ऊपर, और सारा मेरा फेसबुक पे वीडियो डाला हुआ है सारा। दो बच्चा को भी आप देखो होंगे, छोटा बच्चा जो यादव जी वाला गाना गा के वायरल हुआ है, वो भी हमारे ही गाना गा के वायरल हुआ है। उसको भी हम अपने ही स्टूडियो में गाना गवाए हैं, अपने साथ ही गवाए हैं। कि यही रही जाती शेर के जैसे फड़ले बा, अरे कलयुग में श्री कृष्ण के वंशज दहड़ले बा। जात कौन है? जादव जी कै परसेंट? 14% एक नंबर पे। बिल्कुल है। जब भगवान विष्णु का 10 अवतार अभी तक पृथ्वी पे हुआ है, जिसमें से 10वां अवतार कलिका का होने वाला नौवां अवतार में सबसे बड़ा अवतार भगवान कृष्ण का है, तो जब भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है तो हमनी के कैसे न होए। वैसे तो आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार को देखा होगा जो दिन भर गाना गाते हैं, लेकिन वो आने वाले समय में एक समय आता है कि वो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे साथ भी एक वीरू किशन वंशी है, अब पता ना आने वाले समय में भोजपुरी में ये दिखेंगे या ये भी छोड़ करके भोजपुरी इंडस्ट्री को चले जाएंगे। कब से शुरुआत की अपना गाना गाना? शुरुआत तो 22 से ही किए थे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में तकरीबन 2011 से हैं। 11 से तो 23 आ गया हमारा। उस समय मतलब प्रोडक्शन का काम चलता था और फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से ही लगाव था, स्टार्टिंग से ही लगाव था एक्टिंग करने का, एक्टिंग का बहुत सवार था। तो फर्स्ट टाइम ही मुंबई भाग गए थे, उस समय बालवीर सीरियल जोरों शोर से चलता था। अच्छा। तो उसमें ऑडिशन देने के लिए तो उस समय स्पोकिंग इंग्लिश में छट गए थे। अच्छा, 12 साल हो गया आपका, 11 से 23 तक 12 साल हो गए। 12 साल में क्या सीखे? बहुत कुछ जो सीखना चाहिए बताइए जरा, हमें सुनाइए हमारे दर्शक। इंडस्ट्री के लिए तो बहुत, गायकी अब शुरू किए हैं 2022 में, मतलब 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले। तो इसमें कैसा परफॉर्मेंस है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, सारे भाई का अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। कोई वीडियो वायरल हुआ है? काहे कि बिहार में खाली वायरल लोगों को खोजा जाता है, स्टेज शो नहीं मिलता है अगर वायरल नहीं। नहीं, हमको स्टेज शो करना भी नहीं, और स्टेज शो से हम काफ़ी दूर रहते हैं, स्टेज शो का माहौल देख के। लेकिन हाँ, भोजपुरी में जब से गाना गा रहे हैं, पहला ही गाना मेरा सैड सॉन्ग जो भोजपुरी का पहला ऐतिहासिक गाना था जो स्क्रिप्टेड शूट हुआ था। अंत भोजपुरी का ज़्यादातर गाना जो शूट होता है वो आप देखते होंगे कि एक जगह नचा दिया और 4 लोग नाच लिया, बात खत्म। हाँ। स्क्रिप्टेड नहीं होता था। पंजाबी टाइप का जो गाना मेरा शूट हुआ था, पहला बार शूट हुआ था, जो वो भी वायरल हो गया था। दूसरा का गाना जब जात पे अपना गाए, अपने समाज पे गाए, वो भी गाना वायरल। जात कौन है? जादव जी कै परसेंट? 14% एक नंबर पे। बिल्कुल है, एक नंबर पे। हाँ। तो गाना गा के सुना दीजिए, जादव जी लोग देखेगा। पहला गाना जो वायरल हुआ था, गाना कहलाई था अरे की मोछी अपता हो देख के चली जावा गवा सब लोग हमारा के कहेला बघावा हमारा पे उठे ऐसन हाथ नहीं खे अरे जादो जी से बड़ कौनो जात नहीं खे अरे जादो जी से बड़ कौनो जात नहीं खे। ये आपका है जी? जी। तो बहुत वायरल हुआ था, पहले ही बार में ट्रेंडिंग हो गया था, इस पे बहुत सारे लोग बहुत तरह के बात बोले थे, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स गया था। कब गाना गाए थे ये गाना? 6 महीना हो गया। इसमें विवाद खूब हुआ था। हाँ, कि हमरा है तो हमरा है। नहीं, विवाद हुआ था, और बहुत सारे लोग वही जो मनुवादी सोच के वो लोग आके बोला करते थे कि यादव सबसे बड़ा कैसे हो गया। हाँ। जब सबसे बड़ा तो ब्राह्मण है, उनको पूजनीय बोला जाता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। हाँ। लेकिन हम नहीं मानते हैं श्रेष्ठ, अपने आपको मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हम हैं, श्रेष्ठ नहीं है। उन्हीं ब्राह्मण से जाके पूछेगा कि जब भगवान विष्णु का 10 अवतार अभी तक पृथ्वी पे हुआ है, जिसमें से 10वां अवतार कलिका का होने वाला न हुआ, नौवां अवतार में सबसे बड़ा अवतार भगवान कृष्ण का है, तो जब भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है तो हमनी के कैसे न हो। हम तो है सबसे श्रेष्ठ, मुंह में लगा लिए किशनवंश। हाँ, तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ हम लोग हैं। लोगों ने मेंटेलिटी चेंज कर दिया था कि ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनको पूजना चाहिए। हाँ। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो यादव है, और यादव को पूजना चाहिए, और आने वाले किसी को पूजना नहीं चाहिए। हम मतलब नहीं मानते, किसी नहीं बोल रहे पूजने के लिए, लेकिन सबको सबको अपने आप को श्रेष्ठ। बिल्कुल नहीं है, जो है इतिहास में उसी चीज को लेकर चलिएगा ना। यादव है,
तो है, अपने आप को श्रेष्ठ केवल मानिएगा। नहीं है इस चीज को, हम नहीं मान रहे। आप जाइए ना, जो वेदों के जानकार है, जो हाँ जो ज्ञाता है, जो सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म तो खैर है नहीं, जो सनातन को मानने वाले, आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए कि यादव सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ, सबसे ऊपर क्यों है, वही बताएंगे आपको। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमको जरा दूसरे लाइन पे आ जाते हैं कि गाना को लेकर के कोई दूसरा गाना आ रहा है, कोई अच्छा गाना ट्रेंडिंग में है इंस्टाग्राम पे। उस गाने का लाइन है कि हमारा ईरान भाई पे नजर जो उठाई काट दे हम गर्दन ग्रासी से, ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उस गाने का लाइन है कि ये रिया में थोड़ा थोड़ा कापे सब लोग मोड़ा बदम हंसी से, अरे कि हमारा ईरान भाई पे नजर जे उठाई। ये भी ट्रेंडिंग है, हाँ ये भी ट्रेंडिंग में है। और एक और गाना है जो कल रिलीज हुआ है कि यही रही जाती शेर के जैसे फड़ले बा, आदि कलयुग में श्री कृष्ण के वंशज दहड़ले बा। अच्छा, एक बात आप कह रहे थे कि हम कृष्ण वंशी है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बात लिखते हैं कि कृष्ण तो यादव नहीं थे, कृष्ण राजपूत थे, आप यादव कैसे बोल रहे हैं। देखिए वो वैसे लोग हैं, हमको लगता है कि उनके माता पिता शिक्षा नहीं दिए होंगे, चाहे वो वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग हैं जो कभी रिसर्च नहीं की है। जो लोग मानते हैं कि राजपूत थे वो एक बार रिसर्च कर लेंगे तो सही तरह से पता चल जाएगा, नहीं तो अपने दादा परदादा से भी पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जो इस तरह से बोलते हैं कि हाँ राजपूत थे, तो उसमें भी साफ गूगल दिखाता है कि जो अभी के जो वंशज हैं, जो राजपूत हो गए, दो चार जात को दिखाता है, वो उस जमाने में कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाला थे, उसको आज वो वंशज बोला जाता है। तो उस हिसाब से लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण राजपूत, पूरा दुनिया जानता है कि यदुवंश कुल के थे वो और यादव थे, इसमें छुपने वाली क्या बात है और इसमें क्या बोल सकते हैं। आने वाले समय में आपका क्या फ्यूचर होगा, आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं, क्या रोड मैप है आने वाले समय में, आप कहाँ जाना चाहते हैं, समाज को लेकर के चलिएगा कि नहीं, क्योंकि समाज के नाम पर गाना गा रहे हैं। देखिए समाज को लेकर तो हम चलबे करते हैं और समाज मेरे लिए सबसे ऊपर है, और हम इससे पहले भी बहुत सारा आवाज़ उठाए हैं और अपने कलाकार भाई जो भी यादव को लेकर गाना गाते हैं, हालांकि सब लोग यादव पे गाना गा के अपना व्यूज बटोर लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम हर जगह भी जाते हैं और उस चीज़ को रखते भी हैं कि मान लीजिए हम यादव कलाकार हैं और आने वाले समय में चाहे कोई भी व्यक्ति अगर आता है हमारे समाज से, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा जो स्टूडियो पिछले 7 महीना से खुला है और 7 महीना से तकरीबन 700 से ऊपर बच्चों को फ्री में गाना गवाए हैं। क्या बात, 700 से ऊपर, और सारा मेरा फेसबुक पे वीडियो डाला हुआ है सारा। दो बच्चा को भी आप देखो होंगे, छोटा बच्चा जो यादव जी वाला गाना गा के वायरल हुआ है, वो भी हमारे ही गाना गा के वायरल हुआ है, उसको भी हम अपने ही स्टूडियो में गाना गवाए हैं, अपने साथ ही गवाए हैं। और जब जब वो मार्केट में थोड़ा सा स्लो पड़ता है हम अपने गाने पर गवा देते हैं और भाई सब प्यार देते हैं। तो अपने समाज के लिए तो हमेशा, समाज के लिए मतलब स्टूडियो हमेशा 24/7 खुला रहता है, हमेशा हमेशा। आज भी मुजफ्फरपुर से पैसा नहीं ना लेते हैं जी, एक भी रुपया नहीं। तो आने वाले समय में जो लोग देख रहा है उनके लिए क्या कहिएगा, उनके लिए क्या आपके पास ऑफर? बस हमेशा फ्री है, अपने समाज के जितने भी, हालांकि सभी जात के लोग आते हैं, ब्राह्मण राजपूत पंडित जो गड़ियाते हैं वो भी आते हैं, उनका भी स्वागत है। 14% भी हो गए, परसेंट तो पहले से थे, कम दिखाया गया है सरकार के माध्यम से, पता था हम लोग को कि सबसे अव्वल है। हाँ। जो नेपाल में है उसमें भी अगर दिखाया जाए तो 20% पूरे नेपाल में है, इसमें भी यादव नेपाल है, और नेपाल अगर स्थापित किया गया है तो वो भी यादवों की वजह से ही है, यादव ही नेपाल का नाम दिया गया था, ये भी रिसर्च कर लीजिएगा जिन लोगों को पता नहीं होगा। चलिए, तो देश में भी 20% अकेले है ना। हाँ बिल्कुल है, यहाँ तक कि रशियन में बहुत सारे लोग यादव टाइटल लगाते हैं, रशिया में। कितना रिसर्च किए हैं जी यादव पर, PhD करना है जो जो हम अपने समाज के लिए तो करना पड़ेगा ना। जो हम आज लोग चिल्लाते हैं कि हम फलना है चिल्ला है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक बार यादव का भी इतिहास पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि लोग बोलता था कि दुनिया खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पे स्नॉट आ रहा है, तो उसको भी सीक्रेट मिशन का अंजाम देने वाला भी यादव परिवार का ही था। रेजंगला का लड़ाई में भी यादव का ही 120 सैनिकों ने सबने सीना पे गोली खाया था, किसी के पीठ पे एक भी छुरी नहीं, सब आगे मुंह गिरा था। वो इतिहास इतना आसान नहीं है यादवों का इतिहास पढ़ना और जानना। चलिए, तो वीरू किशन वंशी है ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम यादव है, यादव समाज के लिए अपना स्टूडियो खोल कर रखे हैं, गाना भी ये 2-3 अपना गाए हैं, कह रहे हैं कि आने वाले समय में जिसको भी हमारे स्टूडियो में आना है आए, हम ही है, कह रहे हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में अगर जातीय जनगणना हो जाए तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा हम लोग आएंगे। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।